नमस्ते स्टूडेंट, मैं बी एस उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर डिवीजन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं स्टूडेंट। आज हम फिर एक नए टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक तो नई टेली प्राइम के लिए है, लेकिन ये टॉपिक टेली ईआरपी मैंने पहले बता चुका हूं, लेकिन इसका इस्तेमाल टेली प्राइम में आपको कैसे करना है और किस तरह करना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे फ्री या गिफ्ट प्रोडक्ट जो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को देते हैं, यानी एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को कोई भी फ्री या गिफ्ट प्रोडक्ट देते हैं, तो उनका इनवॉयस परचेज बिल के साथ कैसे मेंटेन करना चाहिए या सेल बिल के साथ कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो ये वीडियोस उन अकाउंटेंट के लिए और इस व्यापारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं या अपना स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं। स्टूडेंट, तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं टेली प्राइम में एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का यूज करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी टैली प्राइम में क्या होता है, इनका इस्तेमाल आपको टैली प्राइम में कैसे करना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे, द टैली प्राइम अलाउ यू टू रिकॉर्ड बोथ दिस इन डिफरेंट फील्ड, बिल्ड एंड एक्चुअल क्वांटिटी द सेपरेटली इन द सेम इनवॉइस। द एक्चुअल बिल क्वांटिटी अपडेट द स्टॉक एंड बिल्ड क्वांटिटी इफेक्ट द अकाउंट एंड डज एंड शो द करेक्ट पोजिशन ऑफ बोथ अकाउंट एज वेल एज द इन्वेंट्री। तो स्टूडेंट, इसका डेफिनेशन हिंदी में जाने, जब हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और उस प्रोडक्ट के साथ कुछ क्वांटिटी हमें गिफ्ट या डिस्काउंट में मिलता है और हम अपना स्टॉक प्रॉपर मेंटेन करना होता है, तो हम यूज सेपरेट डिस्काउंट एन एक्चुअल क्वांटिटी का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट, कैसे करना है, छोटा सा एग्जांपल आपके सामने। एंड सबसे पहले हमें स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन यानी इन्वेंट्री फीचर्स में आपका इस्तेमाल करना है, यानी मेंटेन एक्चुअल बिन क्वांटिटी का इस्तेमाल आपको करना है। स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम आपके टैली प्राइम में चलते हैं और इसी नाम से कंपनी आप क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट, कंपनी क्रिएट किया है, इंटर, कंपनी नाम मैंने रख दिया है एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट, एंड स्टेट कंट्री आप चुना के सेव कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट सीधे आप यहाँ पे बॉटम में आएंगे, ये जो एफ1 का फीचर्स खुल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है F2, तो ये इन्वेंट्री फीचर्स में अगर ERP में काम कर रहे हैं तो ERP में F2 यानी F11 के F2 फीचर्स में दिखाई देता था, इसका नाम इन्वेंट्री फीचर होता है। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट टैली प्राइम में आ गए हैं, टैली प्राइम में F11 डायरेक्ट खुलता है और यहाँ पे इंटर करते हुए स्टूडेंट नीचे आ जाएंगे एंड सबसे बॉटम वाला ऑप्शन होता है, इसका नाम है यूज सेपरेट एंड एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस। तो इसको अलाउ कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद एंड इंटर करते हुए एंड GST को अलाउ नहीं करना है, GST बंद कर दीजिएगा स्टूडेंट, GST नो कर दीजिएगा। एंड नो एंड सेव करा लीजिएगा। सेव कराने के बाद स्टूडेंट एंड सीधे आप इन्वेंट्री में आएंगे, इन्वेंट्री में आप जाने के बाद आप क्रिएट ऑप्शंस को अलाउ करेंगे यहाँ पे। अब क्रिएट में हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे रखे हुए स्टूडेंट, आपके क्वेश्चन आपके सामने, एंड गुड्स परचेज फ्रॉम खन्ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर फॉलोइंग आइटम, ये आपका है। तो कुछ आइटम हम परचेज कर रहे हैं यानी फ्री या गिफ्ट आइटम, यानी मान लीजिए हम सैमसंग मोबाइल आपके सामने नीचे लिखा है, सैमसंग में 105 पीस ले रहे हैं और जिसमें हमें 105 में 5 पीस फ्री मिल रहा है, यानी बिल्ड जो बिल बनेगा वो 100 पीस का बनेगा और एक पीस का दाम है 5,400 स्टूडेंट। ठीक है, चलिए हम लोग वापस चलते हैं और यहाँ पे हम डायरेक्ट लेजर बनाते हैं स्टूडेंट एंड ओपन कर लेते हैं F9 परचेज बिल वाउचर। जैसे परचेज खोलेंगे स्टूडेंट आपके सामने किससे खरीदना, मान लीजिए एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं, पार्टी का नाम है हमारे सामने, हम यहाँ पे खन्ना इलेक्ट्रॉनिक से माल खरीद रहे हैं, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक हमें कुछ यहाँ पे खन्ना इलेक्ट्रॉनिक यहाँ डाल दिया स्टूडेंट, इंटर सिंडिकेटर्स के अलाउ कर दिया अपने इंटर,
एंड और बाकी ऑप्शन को बना के आप सेव करा लीजिएगा। सेव कराने के बाद फंक्शन को आप सेव कर लीजिएगा, इंटर, एंड परचेज का लेजर बना लीजिएगा। फिर परचेज के लिए परचेज जाता है, परचेज हेड पे अलाउ कर दीजिए और सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद स्पेस, अब अल्टर सी कर लीजिएगा। डायरेक्ट हम यहाँ पे लेजर बना आइटम बना रहे हैं। आइटम हमें बनाना है सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर C100। ये सैमसंग बना चाहिए आइटम है, सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर C100। ये ले लिया, इंटर, अल्टर सी एंड पीसी जनरेट कर लीजिएगा एंड टू एंड सेव, इंटर कर लेगा स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें ये देखना है कि हमारे पास यानी 105 पीस ये दे रहा है, जिसमें से 100 पीस का हमें पेमेंट करना है, यानी 5 पीस हमें फ्री मिलेगा। तो एक्चुअल में हम डालेंगे, ख्याल एक्चुअल है, यहाँ पे डालेंगे हम 105 पीस, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे 100 पीस की वैल्यू, अगर हम यहाँ पे अगर एग्जांपल डाल दें, यानी यहाँ पे 105 ही पीस डाल देते हैं, और रेट कितना है स्टूडेंट है, देखिए नीचे 5400, यानी एक पीस का दाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5400 डालते हैं तो बिल कितने बन रहा है, 5,67,000 का बिल बन रहा है। लेकिन हमें 5 फ्री मिल रहा है, तो यहाँ पे जो एक्चुअल है, यहाँ पे हम डालेंगे 100 पीस की वैल्यू। 100 पीस की वैल्यू कितना आ रहा है, 5,40,000, यानी आपके स्टॉक में माल आएगा 105 पीस और आपने पार्टी को पेमेंट किया हुआ है 100 पीस, यानी 5 पीस आपको फ्री में मिल चुका है। अब इसको सेव करा लीजिए स्टूडेंट। सेव कराने के बाद आप जाके अपने स्टॉक में चेक कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक में जाके देखेंगे तो अब यहाँ स्टॉक समरी आपके सामने है, एंटर करेगा तो यहाँ पे स्टॉक समरी में जो क्वांटिटी की वैल्यू है वो दिखा रहा है 105 पीस, दिख रहा है स्टूडेंट। और पार्टी का अगर हिसाब देखना चाहते हैं तो अकाउंट देख लीजिए DL करके, और वहाँ पे खन्ना इलेक्ट्रॉनिक एंटर करेगा तो यहाँ पे जो बिल बन रहा है वो 504, जो 5,40,000 है वो केवल 100 पीस का बिल है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का यूज़ टेली प्राइम में करने का सही तरीका।